Hello student, today I am going to start chapter 12 perimeter and area. But there is only perimeter in your syllabus, so we will start perimeter. So first, what is perimeter? Perimeter is sum of all sides of a plane closed figure. Koi bhi plane figure, jaise ki triangle, quadrilateral, पेंटेगन, हेक्सागन और एनी क्लोज्ड शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, अगर हमने उसका पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी सभी साइड्स को प्लस कर देंगे. ठीक है जी. सो इन एक्सरसाइज 12 ए फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पैरामीटर ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर. सो हाउ वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर, दीज आर द साइड्स ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर. ओके जी. So how we find the perimeter of this closed figure? First we will write the formula. Perimeter equal to sum of all sides. Okay ji? Sum means हमने उन सभी sides को plus करना है. ठीक है जी. So first यहां से start कर लो. 2 + 3 + 2 + 4 + 3 and + 3. इनको ब्रैकेट में रखे बाहर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या है, इसका यूनिट जो हमने साथ में जरूर लगाना है क्योंकि इसका हाफ नंबर होता है. ठीक है जी. 3 + 3 = 10 + 2 = 12 + 3 = 15 + 2 = 17 सेंटीमीटर. सो 17 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ दिस गिवन प्लेन फिगर. इसमें हमने क्या किया, हमने ये सारी बाहर वाली साइड्स को प्लस कर दिया और वी गेट द पैरामीटर. Now, next question. In second question, we have this shape. ठीक है, उसने इसमें स्क्वेयर बॉक्सेस दे रखे हैं. ये देखो ऐसे उसने डॉटेड लाइन से स्क्वेयर बॉक्सेस दे रखे हैं और उसने बोला है कि इस फिगर का पैरामीटर निकालो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने इस स्क्वेयर की हर एक साइड को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो ये बाहर वाली जितनी भी साइड हैं, ये सारी 1 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो हमने जब इसका पैरामीटर निकालना है तो हम नो नीड टू राइट द फॉर्मूला हियर बिकॉज दिस इज द वन मार्क क्वेश्चन. वी विल ओनली काउंट द साइड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो 16 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ दिस गिवन प्लेन फिगर. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन we have again one closed figure. So how we find the perimeter of this closed figure? We all know that formula of perimeter is sum of all sides. Sum of all sides. So count. इससे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसकी सारी sides given है. अगर इसकी कोई साइड मिसिंग है सबसे पहले हम वो लिखेंगे. कैसे, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये 2 सेंटीमीटर. ये हाफ हो गई बट देखो उसने ये वाली साइड नहीं दी हुई, तो हम ये साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये नीचे से हाफ है ना, ये सारी ऊपर तक यहां तक कितनी है, हाफ है. ओके जी. तो ये अगर हाफ है, 2 में से हाफ निकाल दो तो ये बाकी कितनी बच गई है, 1/1.5 मींस 1.5 और 1.5. ये यहां तक 1.5 हो गई है. सारी 2 थी, इतनी हाफ है तो बाकी बच गई 1.5. ये 1 है, अब देखो ये 1 है बट उसने ये वाली साइड नहीं दी हुई. अगर ये 1 है तो ये भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर. पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, अब इसकी बाकी सारी साइड्स दी हुई है. और दूसरी बात, 2 हाफ मिलके 1 बन गए. ठीक है, तो इस सारे में हमारे पास कितने हाफ है, 1, 2, 3 and 4. जो 4 हाफ है वो मिलकर 2 बनाएंगे. Now write 2 + 1/2 + 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 1 + 1.5 + 3. और साथ में हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर. Now count these values. 2 + 1 = 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 3 = 10. और 1 = 11 और 1 = 12. तो इट्स आंसर इज 12 सेंटीमीटर. ओके जी, दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस गिवन फिगर. नाउ इन फोर्थ
rectangle, square, anything, any closed figure. तो हमें पता होना चाहिए कि उसका पैरामीटर निकालने के लिए हमने सारी साइड्स को क्या करना है, प्लस. तो हाउ वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. हाउ वी फाइंड इट, फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके जी. यहां पे उसने हमें तीन साइड्स दे रखी हैं. ट्रायंगल थ्री साइडेड फिगर होती है और उसके तीन ही साइड्स होती हैं. तो तीनों साइड्स उसने दी हुई हैं, 14 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस, ओके जी. तो आप इन तीनों को रफ वर्क में लिख के प्लस कर सकते हैं, क्लियर. 69 प्लस 4 13, 1 इज कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, सो इट्स आंसर इज 53 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Now in question number 5, we have find the perimeter of a triangle whose sides are equal and measure 7 cm. Fifth question में उसने बोला है कि हमें एक triangle का perimeter निकालना है जिसकी sides are equal and measure 7, जिसके तीनों साइड इक्वल है और तीनों 7 7 7 है, तो उसका पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, तीनों को प्लस करके. ये सब आप होमवर्क में करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल. एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं और दोनों को 4 सेंटीमीटर है, ओके जी. एंड इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज, और उसने पैरामीटर दे रखा है, पैरिमीटर ने 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द थर्ड साइड. थर्ड साइड मीन्स मिसिंग साइड. हम इसकी मिसिंग साइड कैसे निकालेंगे, जब हमने किसी भी क्लोज फिगर की मिसिंग साइड निकालनी है तो सबसे पहले हम पैरामीटर लिखेंगे, ओके जी. उसमें से हम जो गिवन साइड है उनका सम करके माइनस करेंगे. मीन्स जो गिवन साइड्स हैं हम उसको पहले प्लस कर लेंगे और उसको पैरामीटर में से माइनस, मतलब हम 4 प्लस 4 करके उसको 13 में से माइनस कर देंगे तो वो भी 6 साइड आ जाएगी. अब हमारे पास पैरामीटर है 13 सेंटीमीटर. गिवन साइड्स कौन सी दी हुई है उसने, 4 प्लस 4, ओके जी. 13 सेंटीमीटर, 4 4 8 सेंटीमीटर, तो इट्स आंसर इज 5 सेंटीमीटर. क्लियर है जी. जब भी कोई मिसिंग साइड निकालनी है तो हम उसकी गिवन साइड को प्लस करके पैरामीटर में से माइनस कर देंगे, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन. फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल. अब उसने क्वाड्रिलेटरल दी हुई है. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड फिगर, ओके. 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सो दिस इज द 4 साइडेड फिगर. इट्स द फर्स्ट लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दिस साइड इज मिसिंग एंड 4 सेंटीमीटर. सो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम? पैरामीटर इक्वल टू, उसने गिवन दिया हुआ है, पैरामीटर इज 22 सेंटीमीटर. एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आपको कोई मिसिंग साइड निकालने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें आपको पैरामीटर गिवन होगा, तो आपने पैरामीटर में से बाकी साइड को प्लस करके माइनस करना है, ठीक है. हियर अगेन सेम फॉर्मूला, मिसिंग लेंथ निकालने के लिए मिसिंग लेंथ इक्वल टू पैरामीटर माइनस सम ऑफ गिवन साइड्स. सम ऑफ गिवन साइड्स, ओके जी. पैरामीटर हमारे पास कितना है, 22 सेंटीमीटर. और गिवन साइड्स कौन कौन सी हैं? 3 प्लस 6 प्लस 4, ओके जी. अब हम 22 सेंटीमीटर, 639, 9 प्लस 4 13, 12 इज 3 9, या
missing length. Okay, ji. Now it's eighth question. Find the missing length of the given triangle if its perimeter is 21 centimeter. अब उसने eighth question में triangle दी हुई है. Two sides given है, perimeter given है. आप दोनों को plus करके perimeter में से minus कर दो. That will be the missing length. Thank you.